नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। सिख मंदिर जहां कुत्ता अपनी आवाज में लगाता है माता के जयकारे। जी हां, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भवतारिणी मंदिर में कुत्ता अपनी आवाज में लगाता है जयकारे। डिंडोरी नगर की हंसनगर स्थित यह है भवतारिणी नर्मदा मंदिर, जिसका निर्माण नर्मदा नदी के उत्तर तट पर वर्ष 2010 में हुआ था। इस मंदिर के पुजारी दिनेश गौतम का कहना है कि वे बीते 7 सालों से इस नर्मदा मंदिर में दोनों समय पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि पिछले 3 सालों से जब भी सुबह और शाम की आरती के पूर्व मंदिर की घंटियां बजाई जाती है, उसे सुनकर नाम हनी नाम का कुत्ता जहां भी रहता है भदौड़ते मंदिर पहुंच जाता है। जो है स्वान भैरव जी की एक सवारी माना गया है और करीब 4 वर्ष से जो है ये माता रानी के दरबार में और उपस्थित होता और जयकारा लगाता है। सर, ये आप कितने समय से देख रहे हैं? सर, ये मैं 3 साल से। 3 साल। सर, नाम क्या रखते हैं आप? दिनेश गौतम। जैसा सुने कि ये तो पास भी रहता है। नर्मदा मंदिर में आरती जब शुरू होती है, तब तक यह कुत्ता शांति से अपने दोनों पैरों को आगे कर भक्ति भाव से सुनता है। माँ की आरती के समापन के बाद जब मंदिर के जयकारे लगाए जाते हैं, तो हनी माइक में जोरदार जयकारे भी लगाता है और तब तक लगाता है जब तक जयकारे लगना बंद नहीं हो जाते। वहीं हनी बड़े चाव से मंदिर का प्रसाद खाकर मंदिर से रवाना भी हो जाता है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। ये मंदिर 2010 में इसका मैया जी की स्थापना हुई है। निर्माण का लगभग 2007 से इसका प्रारंभ था। 2010 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये जो स्वान है ये बहुत छोटे से यहाँ आया था। ये दो थे, इनको ये मोहल्ले वालों ने इनका नाम हनी और बनी रखा था, जिसमें इसका एक साथी मर गया है, एक गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर। वो भी दोनों मंदिर के पास जब ये आते थे, लगभग इनको 5 साल मंदिर के आसपास आते हो गए और 2003 से पहले आता था तो इसको भगा दिया जाता था, यहाँ से कुत्ते का प्रवेश वर्जित था। लेकिन इसका जब भाव भक्ति देखे तो ये मंदिर के जहाँ पर खड़े हुए जहाँ आरती होती है बस यहाँ तक है, 2-3 वर्ष से आ रहा है और आके बैठ जाता है। जब पूरी आरती हो जाती है उसके बाद जो जयकारा लगाई जाती है उसको बाकायदा ये जयकारा लगाता है और अभी प्रसाद वितरण होगा तो इसको भी प्रसाद दिया जाएगा।